नमस्ते प्रणाम, मैं समाजवादी गायक सुनील उर्फ चिंटू यादव। थोड़ा तबीयत खराब है, एक सूचना आपको देना चाहेंगे हम। कुछ दिन पहले से आप देख रहे हैं कि ऑडियो बहुत तेज वायरल हो रही है, वायरल होने के बाद वापस वायरल। हमने दो बार ऑडियो डाली भी अपने चैनल पे, उस चीज़ के बारे में कुछ कहना था। आज हमने समाजवादी के बहुत अच्छे गायक बड़े भैया राम प्रवेश लाल यादव, जिनकी ऑडियो वायरल हो रही है, उनसे हमने बात किया। जब बात किया तो उनके बातों से कुछ चीज़ें निकल के आई, आपको बताना चाहूँगा। आप ऑडियो सुनिए और देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो, राम प्रवेश भैया। हाँ राम प्रवेश भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया हम समाजवादी गायक सुनील उर्फ चिंटू यादव बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा भैया, एक आपकी ऑडियो वायरल हो रही है। हाँ हाँ भैया, तो भैया जैसे हम ये जानना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, जैसे उस ऑडियो को वायरल कराना है, और उसमें उद्देश्य क्या है उस ऑडियो को वायरल कराने का। ऑडियो का कोई वायरल थोड़े कराता है भैया, वो चैनल डाल दिए। ऐसे पाए नहीं, आप भी होंगे तब ना भैया, आपके मोबाइल में से तो निकालेगा नहीं कोई, आप रिकॉर्डिंग किए तब ना। जैसे क्या होता है ना कि भाई मान लीजिए कि हमारे ही मान लीजिए कोई है, आप ही है, मित्र है। जी जी। तो हमने कहा कि भैया नंबर दीजिए, थोड़ा सा बात करें अध्यक्ष जी से। हाँ अध्यक्ष से बात किए तो हम सोचे भाई कोई सबूत देंगे, चाहे कोई सच बात बताएंगे, नहीं बताए तो ऐसे बातों को टाल दिए। हाँ हाँ, तो हमारे मोबाइल में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चलता है, किसी का मतलब आएगा तो रिपोर्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा, वो चलिए ठीक है वो सर। अच्छा एक एक बात है भैया, आपको क्या जैसे आपको क्या लगता है इससे आप जो ये चीज हो रही है इससे इससे क्या क्या उद्देश्य जाएगा लोगों में? समाजवादी जो आप सिपाही हैं, हम भी सिपाही हैं, इसमें उद्देश्य क्या जाएगा, लोगों को क्या जैसे प्रभाव पड़ेगा? सुनिए, कह रहे भैया उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हमारी बात लोगों तक कोई सुन सके, लोगों तक हमारी बात पहुंच नहीं रही थी, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। हमने उनसे पूछा भी है क्या ये रास्ता सही है, कहे नहीं भैया रास्ता सही नहीं। जब रास्ता सही नहीं है तो पार्टी की बदनामी क्यों कर रहे हैं भैया? प्रमोद भैया, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ इस ऑडियो से, इस वीडियो से, आप समझिएगा। हम लोगों तक तो संदेश देना, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो रास्ता आपको तो लेके जा ही रहा है गलत जगह, पूरे पार्टी को गलत जगह लेके जा रहा है। जिस पार्टी के लिए हम आप लड़ रहे हैं, जब उस पार्टी को ही आप बदनाम कर देंगे, किसके लिए लड़ेंगे भैया, किसके लिए गाएंगे आप? और दूसरी बात देखिए, वो कह रहे हैं कि ऑडियो हमने नहीं दिया है, हमने वायरल नहीं कराया है, वो हमारे मोबाइल से ले लिए हैं, दोस्त थे यार थे वो ले लिए। भैया आपके मोबाइल से ऑडियो ले लिए तो चलो एक बार ले लिए, दो दो बार आप धमकी दिया जा रहा है। अच्छा आगे सुनिए, आप देखिए क्या कह रहे हैं। आप समाजवादी सच्चे सिपाही हैं, हम भी हैं भैया। अपनी नीतियों को, अपने गलतियों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, बात समझिए, जो आप सार्वजनिक हम लोग कर रहे हैं ये इसमें हमारा ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान है भैया। नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, लेकिन इसका भी रीजन सुनने के। अभी एक चीज बताता हूँ आपको, जवाहिर फिल्म वाले ने आपका ऑडियो वायरल कर रहे हैं, उनको 2-3 लाख व्यूवर मिल रहे हैं, वो अपना डॉलर गिरा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल पे एक चीज लिखा है कि ये चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, कृपया अपने दिल पर न ले। आप बताइए आपका ऑडियो डालने का मतलब क्या है? वो मनोरंजन कर रहे हैं, ये मनोरंजन का साधन है? नहीं नहीं, वो जो किया वो गलत होगा। देखिए ये पहले क्या कह रहे थे कि हमने ऑडियो वायरल नहीं करी है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने ऑडियो वायरल करी है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के किया है। भैया इस जनता को आप चूतिया बना के, बेवकूफ बना के तभी से लोगों तो गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, आप अपने आप को स्टार बनना चाह रहे हैं, ये गलत रास्ता है। आप कह रहे हो कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, यही हमको रास्ता, वो रास्ता सही है आपको लगता है? उसमें स्टार बन जाएंगे आप कुछ काम लायक बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे भैया? राम प्रवेश भैया आप हमारे मित्र हो, हम आपके दोस्त हैं, अभी मिले नहीं हैं, पर आप समाजवादी सिपाही हो, हम भी समाजवादी सिपाही हैं, लेकिन आपके बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समाजवादी सिपाही आप हो, ये तो सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो दिल से समाजवादी सिपाही है वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप अपने मतलब के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, आपका मतलब होना चाहिए। बताइए आप कह रहे हैं हमको दूसरा रास्ता नहीं मिला, दूसरा रास्ता नहीं मिला तो परिवार काट के फेंक देंगे, परिवार के लोग अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, आप कोई बात मनवाना चाहते हैं तो पूरे परिवार वालों को काट के फेंक देंगे भैया, बदनामी कर देंगे पूरे परिवार का, यही आप कर रहे हैं। आप रास्ता नहीं मिला तो आप बदनामी कर रहे हैं,
ऐसे करके बात पहुंचा लेंगे। आपको लगता है ऐसे करके आप बदनामी से बच जाएंगे आप, या आप स्टार बन जाएंगे भैया? सुनिए आगे, देखिए इनका बातें सुनिए, आप क्या कह रहे हैं ये। हम समझ रहे हैं उस भावना को, लेकिन करें हम बता रहे हैं कि बहुत मजबूरी में होकर कर रहे हैं इस बात को किए हैं हम। लेकिन मजबूरी में आप किए हैं, लेकिन पार्टी के लिए बहुत घातक हुआ है, बात समझिए। आप हमें उस चीज को मजाक में लिए हैं, पर वो मजाक में नहीं लिए हैं, मजाक में नहीं लिए हैं भैया। जो किए हैं और रिकॉर्ड किए हैं और भेज दिए हैं, तो मजाक में हम तो नहीं भेजे होंगे ना, कहीं ना कहीं हमें स्पष्ट है इस चीज का। हाँ, तो वो चीज ये सबसे देखिए कैसा है, कहते हैं ना भैया एक चीज कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते। ये भैया जो रामधारी सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं, गलत हुआ है। देखिए इस चीज को हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, शुरू से गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सिर्फ, समझ लीजिए अगर हमारे भोजपुरी भाषा में कहा जाए, तो उन्होंने सिर्फ दरवाजे पे संडास किया है, और आप लोगों ने क्या किया, उसको पूरा पोत दिया और पोतते जा रहे हैं उसको, उसको साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पोतते जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा गलती तो आप कर रहे हैं भैया, उनसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। जैसे रामधारी यादव जी को आप अपने निशाने पे लिए, चार बात सुनाए, उनसे कहीं ज़्यादा दोषी तो जी न्यूज वाले हैं, जिन्होंने ये अफवाह फैला दी फटाक से। आप उसको तो नहीं कभी घेरे में लिए जी न्यूज को? अच्छा एक चीज़ आप देखिए, ये एक इनके बातों से संपूर्ण रूप से ये खुल के सामने आ रहा है कि जो ये ऑडियो वायरल हुई है इस बार, धमकी वाली बात हुई है। हमें विश्वास के साथ नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इनके बातों से ऐसा लगता है, 80% हमको ऐसा लगता है कि अगर जांच की जाए तो हमको लगता है 80% निकल जाएगा कि ये मिली भगत ऑडियो वायरल हुई है। ये इनके ही आदमी बात करके इनको धमकी देने की बात हो रही है, फिर ऑडियो वायरल की जा रही है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमको लोग जानेंगे, हम स्टार हो जाएंगे। ऐसे स्टार नहीं होंगे भैया, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, हमने गाना आपका सुना है, आप गाते इतना अच्छे हैं, आपका गाना बजा भी है, कुछ गाने आपके मार्केट में बजे भी हैं, आप खुद अपने जगह पे पहुंचे हैं। अब यहाँ से आप खुद गिर रहे हैं, गिरने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में कहते हैं ना भैया कि अपने तो डूबे सनम, दूसरे को भी ले डूबे सनम, तो आप वो चीज़ कर रहे हैं, अपने तो जा ही रहे हैं, साथ में पार्टी को बदनामी के रास्ते में लेके जा रहे हैं। ये नहीं मिला हमको, गमछा नहीं मिला, भैया गमछा नहीं मिला, 100 रुपया गमछा मिलता है समाजवादी, 100 रुपया समाजवादी गाना गाते हैं, आप समाजवादी गाना गा कर आप पैसा कमाते हैं, उसी में से 100 रुपया गमछा खरीद लीजिए मेरे भैया। दीवानगी दिल से होती है यार, पैसे से नहीं होती है, कि आपको गमछा नहीं मिलेगा तो आप दीवानगी नहीं है आपके अंदर, अखिलेश यादव चाहोगे नहीं। आप विपक्षी पार्टी की देख लीजिए, उनका गमछा घर घर मिलता है, जानते हैं कहाँ है, दीवानगी नहीं है, ज़बरदस्ती दिया जाता है। और हमारे नेता में और हमारे लोगों में इतनी दीवानगी है कि अगर 100 आता है तो वहाँ 1000 लोग खड़े रहते हैं कि भैया हमको मिल जाए, तो 1000 में 100 लोगों को बांटा जाता है, 900 लोग नहीं पाते हैं। और उनके यहाँ भैया 1000 छप के आता है, 100 लोग खड़े रहते हैं, 900 उनका बचता है। ये जनता का प्यार है। चलिए भैया नमस्कार। हाँ इतना चाहूँगा आप लोग सुन लीजिए भैया, गलत और सही से बचिए, और समर्थन जिसका करना हो, अगर हम गलत बोले हो तो आप हमें माफ़ करिएगा, लेकिन भैया आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और कुछ YouTube चैनल वाले लोग अपने के लिए कमाने के लिए सब कर रहे हैं, भैया ये गलत है, आप समर्थन करिए, पर ये गलत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे टिप्पणी करना, जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये गलत है हमारे हिसाब से। चलिए नमस्ते प्रणाम, आगे अब हम लाइव नहीं आएंगे, अभी सब चीज़ को लेके आएंगे, हमको यही कहना था, आगे अब हम नहीं आएंगे। जिनको जो करना है करिए भैया, हाँ जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, कहा जाता है जो जो बोएगा वही काटेगा, तो आप बोइए आप काटेंगे। नमस्ते।